सुनाओ जी सुनाओ। है ना जी। जय बापू दी, ओम बापू नंदा, जय जय हाँ ग्वालिया, की सदा सदा जय हो। ओम बापू नारायण दास जी महाराज जी जो है जंगल में घूम रहे हैं और प्रभु अपने गुरु जी की तलाश में है। रास्ते में उन्होंने शेर अजगर भी उन्होंने जंगल में देखा और साथ साथ ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रही है? एक मिनट ये ना पूजा, बोल रहे रोजी, मेरे को होस्ट बना रहे, मैं देखती हूँ। हाँ जी वो पूजा सुना अनम्यूट कर रहे हैं थोड़ा बार बार। अजीत आप राज मेरे को बोल बना दो, रहे मैं हैं, देखती। ओके उसको बोल दो ना चलो। हाँ जी कह रही पूजा, हूँ, पूजा म्यूट रहने दे प्लीज, आपदा अजीत राज बोल। तेरे डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज। तो नारे महाराज बापू जो कथा सुना रहे ने, उस कथा सुन प्रसंग उसका जी, नंबर है आपके पास? बापू ओम नारायण दास जी महाराज जी जो हैं प्रभु की खोज में गए हुए हैं, गुरु जी की खोज में। और अब वो जब वहां गडरिया मिलता है और पीछे मुड़ के देखते हैं कि वहां तो कोई गडरिया नहीं है, वो और आगे जाते हैं तो वो अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं बापू जी। और अमरनाथ जी का दर्शन करके जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लोगों ने उन्हें सावधान किया कि भाई आप ना आगे ना जाएं उस क्षेत्र में, अभी तक तो वहां अमरनाथ कोई जा। की यात्रा है? अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो कुछ लोग कहते हैं आप आगे ना जाना, आगे ऐसा क्षेत्र है कि वहां ना कोई अभी तक गया नहीं है, बड़े हिंसक हाँ पशु है वहां पे और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और आपको भोजन के नाम पे भी वहां कुछ नहीं मिलेगा। परंतु ओम जी तो अपनी धुन के पक्के थे तो वो तो निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। और गुरु बर्फ, की तलाश में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए वो एक घने जंगल में पहुंच गए। तो वहां उन्होंने देखा कि एक बड़े ही वयोवृद्ध महात्मा समाधि में लीन है। ओम जी को उन्होंने देख ओम जी ने देखा उनको तो उन्हें बड़ा ढांढस सा बंधा और वे शांत भाव से उनके सामने बैठ गए। संध्या समय वहां पे जो कुछ और साधु भी बैठे हुए थे, साधुओं में से एक साधु समाधि में से उठे और थोड़ी दूर जाकर चिमटे से खोदकर वो चार कंदमूल ले आए। फिर उन्होंने अपने तीन साथियों को ऐसे इशारा सा किया कि देखो कोई आया है। तो ओम जी ने भी आगे बढ़े, ओम जी और सबको दंडवत प्रणाम किया। तो उन लोगों ने, वो जो संत वहां बैठे हुए थे साधु, उन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुम इस स्थान पे पहुंच कैसे गए हो, वो भी सकुशल, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, यहाँ तक तो कोई आ ही नहीं सका अभी तक, यहाँ तुम कैसे पहुंच गए हो। तो अब ना तुम अपने स्थान को वापस लौट जाओ। तो ओम नारायण दास जी महाराज जी ने कहा, महाराज जी मैं तो भगवान का साधारण भक्त हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ आने का मार्ग दिखाया है और आप जैसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कराए हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, यह मेरा निश्चय है। तो उनमें से एक जो बड़े संत थे उन्होंने एक और कंद मंगवाया और पांचों कंदों को उन्होंने भून कर सभी ने एक एक कंद भोजन के रूप में ग्रहण किया। संध्या वंदना हुई, उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। तो उसके बाद एक महात्मा ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक पूछा कि आर्यव्रत भारत में किस राजा का राज्य है, वो जो वहां पे साधु बैठे हुए थे उन्होंने, और वो कितने समय से राज कर रहा है। तो ओम जी ने बताया कि अभी तो भारत में अंग्रेजों का राज है और उनकी तो कोई जाति धर्म है ही नहीं, और उनकी माँ का नाम है विक्टोरिया और उनका राज्य सारे संसार में फैला है। फिर साधु ने पूछा कि युधिष्ठिर के राज्य का क्या हुआ, नकुल सहदेव भीम अर्जुन कहाँ कहाँ राज्य करते हैं। तब ओम जी वाह ने कहा कि वे सभी तो परलोक से धार गए हैं और उनके बाद तो सत्यनाम कोई चक्रवर्ती राजा हुआ ही नहीं। अनेक हिंदू वाह राजाओं का हजारों वर्षों तक राज्य रहा, फिर काफी समय तक मुसलमान तुर्कों और मुगलों का राज्य चलता रहा, उसके बाद राज्य सिखों ने पाया और उन्हें के थोड़े समय बाद ही अंग्रेजों का राज्य यहाँ हो गया। अब वर्तमान में वे ही एक छत्र राज्य कर रहे हैं। अब ये इतिहास सुनकर महात्माओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो इतने बूढ़े थे कि उनकी पलकों और उनकी जो भौहें थी उनके बाल उनकी नाभि तक लटक रहे थे सत्यनाम और सत्यनाम उनके देखो हाँ नाखून भी उनके बहुत बड़े बड़े थे। बड़े महात्मा जी ने कहा कि युधिष्ठिर तो मेरा भाई लगता था, ओ हम माय गॉड। दोनों ने साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी, वह अच्छा मुझसे 2 साल छोटा था,
और उनसे माय मिलने को हमारा बहुत मन था, किंतु तुम बता रहे हो कि अब वो इस संसार में नहीं है। 2 साल छोटा था तो ये सब मतलब हाँ पांच जी हजार 500 साल हाँ हो गए, जी साढ़े हाँ पांच जी हजार बताते हैं, हाँ तो जी हाँ जी 5,000 साल के वो संत थे। माय हाँ जी हाँ जी तो किंतु गॉड, देख तुम हाँ जी किंतु तुमने बताया कि अब वो संसार में नहीं है, क्या किया जा सकता है? विधि का विधान है, अब तुम हमारी बात मानो, अपने स्थान को लौट जाओ। ओम जी ने विनती की कि महाराज जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरी मनोकामना पूरी करने की कृपा करें, मुझे भगवत प्राप्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाएं, मैं आपकी शरणागत हूं। उन्होंने फरमाया, तात, तुम्हारा भाग यहाँ नहीं है, हम जहाँ कहते हैं तुम वहां चले जाओ। तुम्हारा उद्धार करने के लिए किसी ने अवतार लिया है, तुम पंजाब में लहदे पश्चिम दिशा में जाकर उसको खोज करो, तुम हमारे वचनों पर विश्वास करो। यह सुनकर ओम जी महाराज बड़े उदास हो गए और कहा, महाराज जी, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? तब उन्होंने कहा, तुम आंखें बंद करो, हम तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देंगे। सतनाम, ओम जी ने आंखें बंद माय की और का। ये जब वो देखो, आंखें गुरु नानक जी खोले, जैसे किया जी करते थे, हाँ तो जी उन संतों के पास इतनी शक्ति भी, चलो भी हैं, कहते थे ना मरनाने और बाले को, चलो भी आंखें बंद करो, और पहुंच जाते थे वहां हजारों जी मील दूर, और यहाँ इनको पहुंचा दिया है। और भाई ओम जी ने आप आंखें आंखें बंद बंद करो। की और जब आंखें खोली तो वो अपने को वांछित स्थान पे खड़ा पाया। वो वहीं खड़े थे जहां उन्होंने कहा जहां उन्हें था। चाह रहे थे, हाँ जी जाना चाह रहे थे, हाँ वांछित जी मन, वांछित फल। हाँ वाह जी वाह, जय बापू जय बापू जय बापू ओम नंदा बापू चोकर नंदा चोर वाले आपकी जय सदा। माई यार, बापू ज्वाला सिंह जी फिर दर्शन हो गए इनको। वाह वाह, ये है। इसी प्रसंग में बापू ओम जी ने किया था ना, जब वो मतलब कोई नौकरी करता था तो महाराज जी के दर्शन करने आया था। वे काफी किलोमीटर था, दूर था, आंखें बंद करके बैठा तो सीधा अपनी जगह पे पहुंच गए थे। वो भी प्रसंग इसी बुक में ही है। वो ये क्या नौकरी नौकरी, कौन, महाराज जी खुद जॉब करते थे बदोही वो की वाली, नौकरी या करते, हाँ जी नौकरी करते थे और डेली बापू जी के साथ मतलब दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक दिन महाराज ने वहां पे रोक लिया, मेरे ख्याल ओम जी का इस प्रसंग में ही है। तो महाराज जी ने जब रोक लिया उसको तो फिर उसने मना कर नहीं पाया, रात वहां पे रह गया। अंदर से उसको ये था कि सुबह मेरी नौकरी जाएगी। जब वो सुबह गया तो अच्छा। वो एक थक गया, एक पेड़ के नीचे ना बैठ गया जाते जाते। जब उसने आंखें खोली 1 मिनट के बाद बिल्कुल अपने ऑफिस के बाहर पाया अपने आप को। अच्छा, कुछ मुझे याद आ रहा है, ऐसा है हाँ प्रसंग। बहुत, वाह, वो मेरे ख्याल नूरजहां का है भैया, है ना, नूरशाह का कमाल। वो प्रसंग। अच्छा एक बात और बताऊं, कविता रोजी, मुझे बापू शरद, बापू बापू हर भगवान जी ने एक बार ऐसी कृपा करने की कोशिश की, जो कि मैं मंद बुद्धि या मैं बड़ा अधम व्यक्ति है, मतलब तुच्छ प्राणी, मेरे मुझे एक बार कहा, वो भी 2 4 संगत, ये बापू विकास जी भी थे, उनके बेटे विक्की और अमन कामेश्वर और 2 3 जने और थे, तो मैंने कहा महाराज जी फिर छुट्टी दो, मैं जावा महाराज जी हैं वापस अमेरिका। कहने की कर रहे हैं अमरीका जाके, ते हुण जून का यज्ञ आ रहा है या कोई यज्ञ सी, मैंने नहीं याद भी, ते वो कहते भी हुण तू करके जाई हैं दर्शन कर। मैं कहा जिवें महाराज जी हुक्म है, पर मन सी, मैं कहा बच्चे मिले नहीं, कहने बच्चे मिलने जाना है ना, तो आज राती हूं तू इतने बैठ जाई समाधि ते, बैठ जाई ते तू मिले आएगा तू। ओम और सारे बापू जने मेरे भगवान की पंत जी महाराज महाराज आपकी आपकी सदा आई, वो जय। सारे मतलब कि सारे जने मेरे तो बड़े फिदा हुए भी, तेरे ना बड़ा आशीर्वाद भर गया, अभी तो अमरीका जाएगा जी, मैं बाबे नारायण ना क्या, और मैं हाँ मतलब लगाई समाधि, मेरी कंसंट्रेशन नहीं बनी, मेरी मतलब वो गल है नहीं ना, वो हजे वो अवस्था आई नहीं, वो कर देंगे कृपा किसी दिन, अचानक उत्थे पहुंच जा करेंगे नंदा चौक। पर मैं दसा बापू हर वो आंजी ने मैनू इस तरह क्या, और मैं कोशिश की, लेकिन मैनू सच्ची मुझे, मैं इतने आया नहीं अमरीका,
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਪੂ ਮਤਲਬ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੂਜੇ ਪੁੱਛਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠ ਨੀ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਧੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਆਖਿਆ ਬਿਰਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਮਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਤੁਮ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ। ਬਾਪੂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਅਮਰਨਾਥ, ਕਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੋ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਬਰਫ ਕੇ ਪਹਾੜ ਔਰ ਯੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੈ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਸਭੀ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਸਭੀ ਸੰਤੋ ਮਹੰਤੋ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਭੀ ਸੰਤੋ ਕੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਲਈ। ਹਮ ਅਗਰ ਹਮ ਅਗਰ ਚੈਨ ਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਸਭੀ ਸੰਤੋ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪੇ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ ਮੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਵਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਉਨਕੇ ਸੰਤੋ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਪੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ ਸਭੀ ਕੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਯੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਹਮ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਹਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੂਰਵਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਕੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਆਪਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋਬ ਕਰਤੇ ਥੇ ਬੈਂਕ ਮੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਭੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੀ, ਹੋਈ ਵੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕਮ ਅਲਾਟ ਹੋਈ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿਤੀ ਥੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਸ ਤਰਫ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ, 56 ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ, 4-5 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਪੂਰਵਜ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੇ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਕੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਲਈ ਐਸੀ ਮਨ ਮੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਇਸਕੋ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਜੈਸੇ ਮੁਝੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜੋੜ ਦਿਆ। ਔਰ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਜੋੜਾ ਤੋ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਔਰ ਯੇ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰਫ ਜੋੜੋ, ਤੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੇ ਰਹੋ ਸਭੀ ਸੰਤ ਜਨੋ ਕਾ, ਸਭੀ ਕਿਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਸੰਤ ਕੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਾਏ, ਮੁਝੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਅਭੀ ਭੇਜਾ ਥਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਯੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਸੇਂਟ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੀ ਸੰਤ ਕਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਵੀ ਲੋਣਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਸੇ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜੋਂ ਸੰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ, ਮਤਲਬ
करोड़ों, लिटरली करोड़ों संत हैं, अगर किसी एक दो तीन चार ने किसी ने कोई गलती हो गई या उसका ऐसे नाम बदनाम होना है तो हो गया, तो मतलब सारी सृष्टि में संतों को तो कोटि कोटि प्रणाम है ही। और हर जन जिसमें भी, चाहे वो व्यास में है, संत जन है, गुरु जन है, कितनी दुनिया को उन्होंने मतलब शाकाहारी बना दिया है, कितनी दुनिया को पाठ पे लगा दिया है, सुबह उठ के सारे जो संत लोग जो राधा स्वामी है वो कर, चाहे आनंदपुर वाले हैं, चाहे कोई भी जिस भी सेक्ट में हो, कोई भी हो, सभी संत पूजनीय है हमारे लिए, सभी संत पूजनीय है, जय जयकार है उनके। कई प्रवक्ता का ऐसा कोई कोई बोले भी वो ऐसा जो उनकी अच्छी चीज लगती है वो ग्रहण कर लो, सुनो सभी संतों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे तो संत हैं ही पूर्ण, उसमें कोई है ही नहीं दो राय। और हाँ जी, जय बापू, जय बापू, शारदा राम, जय बापू, तेरी सदा सुना।